बोध गया बिहार में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ स्थित महाबोधि मंदिर को बेहद विशेष माना जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर खड़ा है जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बिहार बोध गया के आध्यात्मिक महत्व के कारण विश्व विख्यात है। इस स्थान को बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान कहा जाता है। यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। मान्यता अनुसार राजा सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि इस संसार में बहुत पाप बढ़ गए हैं, बहुत सारे लोग दुखों से ग्रसित हैं और वे उसे समाप्त करना चाहते थे। तभी वे फाल्गु नदी के किनारे पर पहुंचे, जो बिहार के गया शहर से होकर बहती है। वहां पर वे पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने की अवस्था में बैठे और बाद में लोगों ने उसी पेड़ को बोधि वृक्ष का नाम दिया था। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वह उस बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है। कहा जाता बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे वैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस स्थान को बौद्ध सभ्यता का केंद्र रबिंदु माना जाता है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मौर्य शासक अशोक ने यहाँ महाबोधि मंदिर और सैकड़ों मठों का निर्माण कराया था। यहाँ स्थित महाबोधि मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। मुख्य मंदिर के पीछे बुद्ध की लाल बलुए पत्थर की 7 फीट ऊंची एक मूर्ति है। यह मूर्ति वज्रासन मुद्रा में है। इस मूर्ति के चारों ओर विभिन्न रंगों के पताके लगे हुए हैं, जो इस मूर्ति को एक विशिष्ट आकर्षण प्रदान करते हैं। राजा अशोक को महाबोधि मंदिर का संस्थापक माना जाता है। निसंदेह रूप से यह सबसे पहले बौद्ध मंदिरों में से है जो पूरी तरह से ईंटों से बना है और वास्तविक रूप में अभी भी खड़ा है। महाबोधि मंदिर की केंद्रीय लाट 55 मीटर ऊंचा है और इसकी मरम्मत 19वीं शताब्दी में करवाई गई थी। इसी शैली में बनी 4 छोटी लाटें केंद्रीय लाट के चारों ओर स्थित हैं। महाबोधि मंदिर चारों ओर से पत्थरों की बनी 2 मीटर ऊंची चहारदीवारी से घिरा है। कुछ पर कमल बने हैं, जबकि कुछ चहारदीवारियों पर सूर्य, लक्ष्मी और कई अन्य हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां बनी हैं। इस मंदिर परिसर में उन 7 स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद 7 सप्ताह व्यतीत किए थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।